थोड़ी देर मैंने यहाँ पे रेस्ट किया, क्या तू तो साफ 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 साफ। सो वेलकम बैक टू गाइस। तो आज का वीडियो होने वाला है इन झाड़ियों के साथ। बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस झाड़ियों के साथ नहीं बल्कि करने वाले हैं एक बहुत मस्त चैलेंज जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट किया था। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला कुछ इस तरीके से होने वाला है। जितना भी आपको ये दिखाई दे रहा है मैं पहले इस जगह टूर करा दूंगा, बता देता हूँ। आज के इस चैलेंज में हम 24 घंटे ना सॉरी 24 घंटे तब मेरे दोस्तों हम इस वीडियो में 12 घंटे यहाँ पर इस जंगलों में बिना खाए बिना पिए बिना बेड बिना लाइट बिना मोबाइल के रहने वाले हैं। झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो। हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं क्या हम बिना लाइट बिना खाए पिए 12 घंटे तक रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं क्योंकि बहुत सी जो लेडीज होती है, जैसा कि कल करवा चौथ निकल चुका है, करवा चौथ पे बहुत से लेडीज ने पूरे दिन 12 घंटे तक बिना खाए पिए रह लिया था। तो हम भी इस वीडियो को आज चेक करने वाले हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है और जंगलों में किस तरह के टाइम पास करेंगे वो भी सब दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उससे पहले सब मैं आप लोगों को इस जंगल की टूर करा देने वाला हूँ जिससे आप यूँ समझो कोई फेक वीडियो नहीं है। कि मैं आपको दिखा दूँ इन जंगलों के बीच में ये है एक छोटा सा कमरा सा बना है लेकिन हम इसमें नहीं रह सकते। समझ रहे हो हमारा चैलेंज जब पूरा होगा जब उस तरफ जाएंगे तो दोस्तों पहाड़ दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे। आपने ऐसा पहाड़ कहीं पे ही नहीं देखा होगा। तो अभी मजा आएगा ना। चलिए टूटन ये है पहाड़ पे चढ़ चुके हैं। काफी ऊंचा सा लग रहा है पहाड़। तो दोस्तों हमारा जो मथुरा जिला है इसमें दोस्तों पहाड़ वगैरह ज़्यादा बहुत ही कम है और पहाड़ तो बस गोवर्धन पहाड़ है जहाँ पे गोवर्धन अब पहाड़ से पहाड़ नहीं रहा, वहाँ चारों तरफ रोड बना दिए गए हैं, मकान दुकान ये सब रह चुका है। अब दोस्तों हरियाली का जवान ही नहीं रहा। अब कुछ साल देखिए 2-3 साल पहले ये थोड़ा बहुत आपको घास फूस दिखाई दे रहा होगा, ये घास फूस भी गाइस आपको अब यहाँ नहीं रहने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से प्लॉट बन रहा है। आप लोगों दोस्तों पर्यावरण का नाश ना करें, पर्यावरण बचाए क्योंकि बिजली की समस्या हो रही है और यही इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते इस पेड़ों के बिना। तो उस तरफ हम चलते हैं जहाँ हम रहने वाले हैं। तो ये है घना जंगल, ये है जगह जहाँ पे हम रहने वाले हैं क्योंकि इस साइड थोड़ा खतरा सा भी है और हम चेक करने वाले भाई कांटे तेरी दोस्तों कांटे तो यहाँ बहुत है, मैं कैसे रहूँगा। तो आपको कांटे दिखाता हूँ किस तरीके के कांटे हैं। देखिए यह किस तरीके का पेड़ है। देखिए ये इस तरीके से पेड़ है, इन्हों में गाई कांटा है जो कि कांटे चारों तरफ बिखरे हुए। और मैं दोस्तों गलती से चप्पल पहन ही आया, मुझे जूता पहन के आना था, पर ये चलिए कोई बात नहीं है, हमारा इंटरेस्टिंग होता जाएगा हम किस तरीके से आज सर्वाइविंग करने वाले हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ, शुरू करता हूँ वीडियो। हो चुका है देखिए कितना घना सा झाड़ियाँ वगैरह हैं और दोस्तों कांटे इतने चुप चुके हैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ओ ये दोस्तों सांप जो कांचली सा छोड़ता है वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो कैसे रहेंगे भाई, मुझे डर सा लग रहा है आप लोगों को दिखा दिया। जैसे देखिए चारों तरफ और वीडियो स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है, थोड़ा अंधेरा हो गया इसलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। थोड़ी देर मैंने यहाँ पर रेस्ट किया, तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा था मुझे दोस्तों एक सांप मिल गया था। बताइए दिन के समय में सांप तो भाई, रात के समय मेरा रहना मुश्किल है भाई, मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकता गाइज। और दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी घर पे कोई ट्राई करने की कोशिश ना करें। हमने देख लिया भाई सांप इस समय है बिल्कुल पक्का इसमें, अभी इस समय मुझे पता नहीं है, मैंने देखा 2-3 सांप। रात हो चुकी है, अब तो मैं भाई घर जा रहा हूँ, वीडियो को एंड करना हूँ। वीडियो को लाइक करो मत करो भाई,
आप ऐसा कुछ ट्राई मत करना। मुझे मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोगों को मैं बताऊं, जागरूक करूं, लेकिन जंगल में रहना मुश्किल का काम है, कोई हर लोगों की बस की बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के बाद। मैं जाता हूँ घर, अपने घर जा रहा हूँ सीधा। टाटा बाय बाय।